आपको एनर्जी सेवर सीएफएल बल्ब हर जगह देखने को मिलेंगे। इनको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है और ये हमारे पुराने बल्ब का नेमल बदल है, और उसकी वजह यह है कि ये बहुत कम एनर्जी लेते हैं। हम एक बल्ब की जगह ये 10 सीएफएल लगा सकते हैं, इतनी कम एनर्जी ये लेते हैं। इस वजह से इनकी मांग बहुत ज्यादा है और बहुत सारे मुल्कों में अब यही लगाए जाते हैं। जब सीएफएल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ तो कनाडा में बीमारियों की शरह बढ़ गई। कनाडा की हुकूमत ने वहां की एक प्रोफेसर जिनका नाम मैगडा हैवेस है, उनको ये कहा कि वो इस पर तहकीक करें और बताएं कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की। ये रिपोर्ट 2011 में आई और इसने आते ही तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जहरीले बल्ब हैं। इन बल्ब में क्या ऐसी चीज है जो हमारी आबोहवा में जहर मिलाती है। इस बल्ब में एक मेटल है जिसे हम मर्करी कहते हैं, जो थर्मोमीटर्स भी होती थी और जो हमारे थर्मोस्टेट में भी होती है। घरों में जो थर्मोस्टेट होते हैं एसी के, उनमें भी होती है। मर्करी एक न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल है, ये एक जहरीला मादा है जो हमारे दिमाग पर जाकर असर करता है। तो जब ये बल्ब फटेगा किसी भी वजह से, चाहे ये गिरकर फटे या लगा लगा फटे, तो इसमें से मर्करी बाहर निकल आएगा। उसके वेपर्स अब हमारे कमरे में फैल जाएंगे और सांस के जरिए वो हमारे फेफड़ों में जाएंगे और खून में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो वो पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि वो हमारे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता बीमार करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने सीएफएल की फैक्ट्रीज में काम किया है उनके बारे में एक तहकीक की गई तो पता चला कि उनके आईक्यू लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके करीब ये बल्ब फटे और बाद में पता चला कि वो बहुत बीमार रहे और उनका आईक्यू लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। ये गुर्दों पर भी बहुत ज्यादा असर करते हैं और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करते हैं। तो इनमें बहुत ही मसले हैं अगर हम मर्करी को इनहेल कर देते हैं। इनमें 5 मिलीग्राम मर्करी इस्तेमाल की जाती है। ये इतनी मर्करी है जो 6000 गैलन पानी को आलूदा कर सकती है। अगर इतनी मर्करी 6000 गैलन पानी में मिला दी जाए तो वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि उसको हम जहरीलापन कहेंगे। उसके अलावा डॉक्टर हैवेस ने एक और भी, मैं इसको आराम से रखूं ताकि ये नीचे ना गिर सके, उन्होंने एक और तहकीक भी की और उन्होंने इसकी रोशनी में ज़ियाबतीस के कुछ मरीजों को खड़ा किया। उन्होंने देखा कि जब वो लोग इसकी रोशनी में खड़े होते थे तो उनके ज़ियाबतीस के लेवल, शुगर के लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से उन्होंने और बीमारियों के कुछ लोगों को उसमें इसकी रोशनी में खड़ा किया, मसलन स्किन की बीमारियों के लोगों को खड़ा किया, तो उन्होंने देखा कि उन पर भी बुरे असरात पड़ते थे। उन्होंने अब इसकी रोशनी पर भी तहकीक शुरू कर दी तो उनको पता चला कि सूरज से कुछ ऐसी किरणें हमारी तरफ आती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट होती हैं और उनको ओजोन लेयर रोकती है, पर इन बल्ब से वही रोशनी खारिज होती है जिसको अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट कहा जाता है। इसमें यूवी ए और यूवी सी काबिले जिक्र है। अब ये लाइट जैसे ही हमारी स्किन पर आती है तो ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती है और इनमें डिफ्यूजर्स नहीं लगे होते। ये डॉक्टर हैविस की रिपोर्ट के अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आम लाइट्स में डिफ्यूजर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, ये रेडिएशंस फिल्टर हो जाती हैं। इनमें डिफ्यूजर्स नहीं लगे होते इसलिए वो सीधे हमारी बॉडी की तरफ आती हैं और ये जहरीली रोशनी होती है। ये हमारी स्किन में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां करती हैं। और उसके साथ उन्होंने एक तीसरी चीज भी बताई और वो उन्होंने ये बताया जिस पर अभी बहुत बहस हो रही है, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी फ्लक्चुएशंस लेके आते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में इक्विपमेंट खराब होना शुरू हो जाते हैं, वोल्टेजेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। इस पर अभी बहुत बहस हो रही है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। इसी तरह की एक और रिसर्च 2012 में हुई जो कि प्रोफेसर मेरियम रेफेलो विच ने की और ये स्टोनब्रुक यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुई, और उन्होंने इस किस्म के मुख्तलिफ ब्रांड्स के बहुत सारे बल्ब्स खरीदे, उनको अपनी लैब में रखा, उनको जलाया और उनकी रोशनी में इंसानी स्किन के टिश्यूज रखे, इंसान की जिल्द रखी, और फिर उन्होंने देखा कि इंसान की जिल्द बीमार पड़ना शुरू होगी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आनी शुरू कर दी। अब उन्होंने वही स्किन लेकर उनको आम बल्ब जो थे उनमें रखा, उनकी रोशनी में रखा, तो उस स्किन पर कोई भी असर नहीं हुआ।
उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया और उसके बाद उन्होंने भी अपना एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी रोशनी में अल्ट्रावायलेट ए और सी की वजह से स्किन की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आप इनके बहुत करीब बैठते हैं, आप एक फुट के फासले पर बैठते हैं, तो आपको स्किन की बीमारियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और अगर आप दूर बैठेंगे तो फिर भी आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। ये वो पहला बल्ब है जिसके बारे में अमेरिकन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA अमेरिकन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक पूरा प्रोसीजर बताया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ये बल्ब आपके स्कूल में गिरकर फटता है या आपके घर में गिरकर फटता है तो आपने फौरन क्या करना है। और उसमें जो उन्होंने सबसे पहला काम कहा, उन्होंने कहा कि फौरन खिड़कियां खोलें और घर से बाहर चले जाएं। 20 मिनट तक आप बाहर रहेंगे। मैंने ये क्वेश्चन फेसबुक पे डाला, तकरीबन तमाम लोगों का सवाई एक साहब के ये आंसर था कि हम इसको साफ करना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको साफ करना शुरू करेंगे तो मर्करी आपके सांस के जरिए अंदर चला जाएगा और आपके जो ब्रेन है उसको डैमेज करेगा। अब आपने इसको जब बाहर चले गए, इसको हवादार कमरे में छोड़ दिया, 20 मिनट के बाद आप वापस आए, मास्क पहने, पूरी डिटेल है मैं चंद बातें उसमें बताऊंगा, और उसमें आप कार्डबोर्ड लें और मर्करी को इकट्ठा करना शुरू कर दें। सख्त कार्डबोर्ड लेना, हार्ड कार्डबोर्ड लेना, और उसको किसी जार में डालें, मर्करी को जार में डालकर उसको सील करें, और सील करके अपने करीबी पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो कि अमेरिका में होता है, हमारे मुल्क में तो ऐसे नहीं होता, उसको फोन करें और उनको बताएं कि वो आके इसको ले जाएं। और आपने वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं करना, एसी बंद करना है ताकि ये फैल ना सके, और बच्चों को दूर रखना है। बच्चों के बारे में तो ये बताया जाता है कि आप कोशिश करें कि उनको कई महीनों उस कमरे में ना लेके आए, और अगर ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो मर्करी बहुत मुश्किल से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ये हमारी बॉडी में रह जाता है। तो इतनी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स देने के बाद आप जाकर ये वेबसाइट पर भी देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ऐसी जरूर बात है जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अब इनका करें क्या, इनके करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आपको जरूरत नहीं है कि आप सारे बल्ब बदल दें, घर में सारे बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कि इनको वहां पर लगाएं जहां पर हवा हो, बाहर लगाएं, अपने घर में लॉन में लगाएं, टेरेस में लगाएं, उस जगह पर लगाएं। अगर आप बहुत मजबूर हैं तो उन कमरों में भी लगा दें जहां पर हवा हो, और इनको किसी ग्लोब में लगाएं ताकि ये नीचे गिर के टूट ना सके, और ग्लोब का ये भी फायदा होगा कि उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज भी कुछ फिल्टर हो सकती हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि LED लाइट्स जो कि इस वक्त मैं यूज कर रहा हूं, जो मुझे रोशनी दे रही है, आप वो यूज कर सकते हैं। ये सब मार्केट में है, इनके हैजर्ड्स हैं, पर इनके हैजर्ड इससे बहुत कम है। अभी मैंने आपको इनके प्रॉपर हैजर्ड्स नहीं बताए क्योंकि उन पर अभी तहकीक हो रही है। ये बहुत मोहलिक बीमारियों का बायस भी बन सकते हैं, पर मैं अभी क्योंकि उस पर तहकीक पूरी नहीं है तो बात नहीं करना चाहता। तो आप LED लाइट्स जो है वो ले सकते हैं, ट्यूब लाइट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बच्चों के कमरों में बिल्कुल इसको ना लगाइए, बंद कमरों में बिल्कुल इसको मत लगाइए, और इनको हवादार जगह पर लगाइए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझ सकें, और जितने भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं मैं उनका लिंक अपनी वीडियो में शेयर करूंगा, आप में से कोई भी जाकर उन रेफरेंसेस को देख सकता है और उनको पढ़ सकता है और अपनी तसल्ली भी कर सकता है।